A contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? पहले देखो स्टिप स्लाइड क्या होता है, मतलब देखो थोड़ा सा एक ही स्लाइड होता है, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सोचा कि भाई, जिसने प्लान किया कि वो दो स्लाइड लगाएगी, ठीक है, पार्क में खेलने के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। उसने सोचा कि बच्चों के लिए वो दो स्लाइड लगाएगी पार्क में खेलने के लिए, और किन किन बच्चों के लिए लगाएगी, जो पास से छोटी हैं और जो पास से बड़ी हैं उनके लिए वो लगाएगी, पास से बिलो द, जो पास से छोटे हैं ना, 5 साल से छोटे हैं, उसने सोचा कि उनके लिए इतनी हाइट रख देती हूँ, इतनी हाइट उनके लिए इनफ होगी, ओके। एंड उसने सोचा कि इतना, मतलब एंगल बनाया उसने उस पर टू द ग्राउंड, अभी हम देखेंगे। इसने बोला देखो छोटे बच्चों के लिए इसने क्या किया, ये स्लाइड है मेरी, इसने क्या बोला उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, और वो एंगल कितना बना रही होगी, 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ, टू द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के साथ वो कितना बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल, ये ग्राउंड है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल। फिर उसने बोला है वे एस, जो बड़े हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो बनाएगी स्लैप स्लाइड एट द हाइट ऑफ अ 3 मीटर, मतलब ऐसी थोड़ी सी, ठीक है, 3 मीटर की, किस कितने की, 3 मीटर की, ओके, और एंगल उसका 60 दे रखा है, ऐसे वो स्लाइड बनाएगी, आ गया समझ। अब देखो, अब क्वेश्चन को पूरा समझा देती हूँ मैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सोचा कि भाई, जिसने प्लान किया कि वो दो स्लाइड लगवाएगी, क्या लगवाएगी, दो स्लाइड लगवाएगी पार्क में, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, और ठीक है। फिर उसने सोचा 5 साल से जो छोटे बच्चे उनके लिए जो हाइट होगी स्लाइड की, वो थोड़ी कम रखूँगी क्योंकि वो बच्चे हैं, ठीक है, वो गिर जाएंगे, 1.5 मीटर रखती, और जो बड़े बच्चे हैं ना उनकी है ना थोड़ी ज़्यादा रखती, 3 मीटर रख दी, क्योंकि वो तो बड़े हैं ना, जब ही नीचे आ जाएंगे मतलब फिसल के, ओके। फिर उसने सोचा एंगल इसका 30, इसका 60। तुमने देखा होगा भाई, मज़े आते हैं ना जब स्लाइड थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ा ऐसी होती है, इसके बजाय इसमें तुम आराम आराम से, आराम आराम से आते हो, इसमें तुम तेज़ी से आते हो, इसलिए बड़े बच्चों के लिए बना दी। अब फाइंड द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब मुझे लेंथ बतानी है स्लाइड की दोनों केसों में, मुझे क्या बतानी है, लेंथ बतानी है दोनों स्लाइडों की, आगे बात समझ। अब मैं क्या करती हूँ, इनका एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, अभी मैंने सेम फिगर है, अब मैं सेम फिगर यहाँ पे बना लेती हूँ, ये वाली जो सेम फिगर है मैंने यहाँ पे बना ली, 30 डिग्री, एल 1.5 मीटर, ओके। मैंने ए नाम दे लिया, इसको मैंने बी दे लिया, इसको मैंने सी दे लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नाम ही दिया बस, ओके। अब देखो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है एंगल से जो ऐसे होता है अपोजिट वाला, एंगल से अपोजिट वाला मेरा पी होता है, ये मेरा बी हो गया, और एच मेरा सेम रहता है, जो 90 के बिल्कुल अपोजिट होता है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। अब मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, एल निकालनी है, फाइंड क्या करना है मुझे, बी सी, ए सी करना है, ए सी तो इंक्लूड हो गई, ए सी मेरा क्या है, एच, मतलब जो भी मैं लूँगी ना उसमें एच तो इन्वॉल्व होगा। देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल, ठीक है, ये क्या होता है, मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अब जो भी मैं लूँगी ना उसमें एच तो इंक्लूड होगा क्योंकि मुझे एच निकालना है, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अब मुझे गिवन क्या है, बी गिवन है या पी गिवन है, पी गिवन है, पी गिवन है, पी गिवन है, पी और एच, पी और एच में किसी मतलब साइन थीटा, आगे बात समझ में। एक हम गिवन लेंगे, एक हमें जो निकालना है वो लेंगे, तो साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच, साइन 30 दे रखा है, इसमें 30 का एंगल है ना, 30 का एंगल है देखो, तो साइन 30, पी मेरा कितना है, ए बी, ठीक है, पी मेरा ए बी है, हाइपोटेन्यूज मेरा ए सी है, हाइपोटेन्यूज मेरा ए सी है, साइन 30 मेरा 1/2 होता है ना, 1/2 होता है साइन 30, ए बी, ए बी मेरे को कितना दे रखा है, 1.5, और ए सी मुझे फाइंड करना है।
तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के साथ डिवाइड में था ना, तो ये हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। 3 कैसे हुआ, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ था 1 के बाद, 5 के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया और फिर 0 हम लगाते थे। अच्छा अब देखो, जो बच्चों की है ना, बच्चों की जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई, ठीक है, जो बच्चों की स्लाइड की हाइट है। अब हम निकालते बड़े बच्चों के लिए। अब इसके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ, सॉरी फिगर। ओके, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, सॉरी ये मेरा 60 है, एंड ये मुझे निकाल लें। अब देखो, एंगल से अपोजिट वाला बी, बी 90 से अपोजिट वाला एच, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एच मतलब एच निकाल लें, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल लें, ये निकाल लें, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं पी क्यू आर नाम दे लेती हूँ, ठीक है, तो एच निकालना है। अब मुझे गिवन क्या है, पी, तो ये कितना किस में आता है, साइन थीटा में, सेम है ना, साइन थीटा में। अब मैं कह सकती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी वाई एच, और साइन इसमें 60 दे रखा है एंगल, इसमें 60 दे रखा है ना एंगल, और मेरा पी क्या है, मेरा 3, पी मेरा 3 है ना, ये पी है, ये मेरा 3 है, ओके। एच, एच मेरा क्या है, निकालना है, तो मैं पी क्यू पी आर लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे निकालना है, ओके। साइन 60 में आता है √3/2, और ये 3/PR हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, √3PR इज इक्वल टू 3 × 3 × 6, ठीक है, PR। अब ये PR के साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है, कुछ साइन नहीं लगा हुआ ना, तो मल्टीप्लाई में था, तो ये नीचे गया डिवाइड में, ठीक है, नीचे गया डिवाइड में। अब हम नीचे कभी भी रूट रखते नहीं, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज हम क्यों करते हैं, रूट को हटाने के लिए, क्योंकि 3 3 होएगा तो वो 3 बन जाएगा, और 6√3, अब 3 × 3 = 2 तो 2√3, और बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, 2√3 मीटर।